दोस्तों, आजकल हम नारी को विविध रूपों में देखते हैं, जैसे कि अपनी पाठशाला की कुछ अध्यापिकाएं, अपने पाठशाला की प्रधानाध्यापिका एक नारी ही है। नारी को हम पुलिस ऑफिसर के रूप में भी देखते हैं, नारी को हम डॉक्टर के रूप में भी देखते हैं, यानी आजकल हर एक क्षेत्र में नारी दिखाई देती है। दोस्तों, नारी ना ही सिर्फ हमें जन्म देती है, उसके साथ साथ हमारा पालन पोषण भी करती है, हमें बड़ा करके, हमें उचित दिशा देकर हमारे जीवन में उजाला लाने का प्रयास करती है। हर एक महापुरुष के पीछे किसी नारी का ही हाथ है। आज अपना भारत देश स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके पीछे नारी का ही हाथ है। जिन महापुरुषों ने अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन महापुरुषों के पीछे किसी नारी का ही हाथ था। प्रभु श्री रामचंद्र, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, ऐसे अनेक महान वीर जिन्होंने नारी से ही जन्म लिया है, वे महान क्यों बने? किसी नारी के कारण ही बने। नारी ने उनको जन्म दिया, ये सारी सृष्टि दिखाई, इसलिए वे महान बन गए। दोस्तों, आज हम पद देखने वाले हैं, पूजनीय नारी हैं। इस पद के माध्यम से हम सही रूप से क्या देखने वाले हैं, हमें क्या देखना है कि नारी का सम्मान हमें किस प्रकार करना है, हमें नारी का सम्मान करना है, आदर करना है, हमें नारी से प्रेरणा लेनी है। हर एक पुरुष के पीछे किसी नारी का ही हाथ होता है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग महान कार्य करके दिखाते हैं, लेकिन वो कार्य करते समय उनकी माँ, उनकी बेटी या उनकी बीवी जो रहती है, उनका भी हाथ उसमें होता है। तो आज का हमारा पद्य है पूजनीय नारी है। दोस्तों, नारी सिर्फ हमें जन्म देती है, बल्कि हमारा पालन पोषण करके हमें उचित दिशा देती है। देखिए पद्य को, सृष्टि की सृजनहार जग जननी उच्च महात्म है। सृष्टि की सृजनहार जग जननी उच्च महात्म है, सर्वदायिनी पालनहारा ईश्वर सम नारी है, ईश्वर सम नारी है। नारी से अवतरित हुए हैं राम कृष्ण और भगत सिंह, नारी से अवतरित हुए हैं राम कृष्ण और भगत सिंह, ईसा गांधी बुद्ध महावीर सत्य सनातन नारी है। लक्ष्मी दुर्गा सीता और सावित्री है, लक्ष्मी दुर्गा सीता और सावित्री हैं, आंचल में इसके दूध सुखद ये छाया है। दुष्ट दुराचारी को अंगार दहकता, दुष्ट दुराचारी को अंगार दहकता, प्रलयकारी महाकाल सी नारी है। विद्या कर्म धर्म की ज्ञाता, विद्या कर्म धर्म की ज्ञाता, बल बुद्धि और ज्ञान की दाता है। जगती की ये नित्य विधाता, जगती की ये नित्य विधाता, सर्व मंगलकारी नारी है, सर्व मंगलकारी नारी है। जब तप पूजा और मनन से, जब तप पूजन और मनन से नारी का सम्मान श्रेष्ठ है। ऋषि देवगण नाम उच्चारे, ऋषि देवगण नाम उच्चारे, यत्र तत्र सर्वत्र पूजनीय नारी है, सर्वत्र पूजनीय नारी है। देखो, यहां पर कवि ने नारी का गुणगान किया है, नारी की जो महिमा है, उस नारी की महिमा को हम सभी के सामने पेश करने का यहां पर अच्छा प्रयास किया है। कवि का कहना है कि सृष्टि की सृजनहार, इस सृष्टि की सृजनहार, सृष्टि यानी संसार, ये पूरा विश्व, इस सृष्टि की सृजनहार कौन है? एक नारी ही है। जग जननी उच्च महात्म है, इस सृष्टि को रचाने वाली, सृजनहार, सृजनहार यानी रचाने वाली,
सृजना रचने वाले, महातव महातव यानी महानतम सर्वश्रेष्ठ, नारी कैसी है? सर्वश्रेष्ठ है, महानतम है। क्यों? क्योंकि इस पूरे विश्व की जो रचना की है वो किसने की है? नारी ने की है। इस दुनिया में, इस पृथ्वी स्तर पर जितने भी जीव है वो किसकी वजह से है? नारी की वजह से है। अगर नारी ने उन्हें जन्म नहीं दिया होता तो क्या वे जन्म ले पाते? बिल्कुल नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर कवि हमें बताना क्या चाहते हैं कि नारी ही किसके समान है? ईश्वर के समान है। हमें नारी को भी ईश्वर का रूप में ही देखना चाहिए, ईश्वर के समान ही देखना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। देखिए सृष्टि की सृजनहार जल जननी उच्च महात्म है, सर्वदायिनी पालनहारा ईश्वर समनारी है, ईश्वर समनारी, ईश्वर समनारी है। नारी किसके समान है? ईश्वर के समान है। क्यों? क्योंकि वो ना ही सिर्फ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करके हमें बड़ा करने का काम भी नारी ही करती है, हमें महान बनाने का काम भी नारी ही करती है। हर एक व्यक्ति के पीछे किसका हाथ होता है? किसी नारी का हाथ होता है। हर एक पुरुष महान कब बनता है? जब एक नारी उसके पीछे रहती है। अगर नारी ने हमें जन्म नहीं दिया होता तो क्या आज हम यहां पर होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आजकल हम देखते हैं नारियों की ओर कुछ लोग अत्याचार कर रहे हैं, कुछ बुरे व्यवहार कर रहे हैं। सही रूप से देखा जाए तो उन लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों हमें नारी का सम्मान करना है। नारी जो हमारी माँ होती है, नारी हमारी बहन होती है, नारी हमारी बीवी होती है, नारी हमारी दादी होती है, तो उन्हें हमें क्या करना है? अच्छा सम्मान देना है, उनका सम्मान उनको देना है। नारी ईश्वर, नारी को ईश्वर के समान समझना है। क्यों? क्योंकि आज ये जो पूरी सृष्टि हमें नजर आ रही है, इस सृष्टि की, सृष्टि को रचाने वाली, सृष्टि की विधाता कौन है? नारी है। कवि ने यहां पर नारी को इस पूरी सृष्टि की विधाता कहा है। सर्वदायिनी पालनहारा, वो हमें सब कुछ देती है। नारी हमें सब कुछ देती है और हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए नारी को हमें क्या करना है? उनका सम्मान जरूर देना है, ईश्वर के समान उनको समझना है। ईश्वर को ईश्वर के समान समझना है मतलब उनका जो सम्मान है वो सम्मान उन्हें देना है। हमें हमारे माँ के पैर छूने चाहिए दोस्तों, हमारे दादी के पैर छूने चाहिए, क्योंकि आज हम ये जो सृष्टि देख रहे हैं वो उनकी वजह से ही देख रहे हैं। आया आजकल बहुत सारे लोग नारियों को तुच्छ समझते हैं। सही बात ये है कि उनका जो सम्मान है वो उन्हें देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पूरी सृष्टि की रचना करने वाली नारी ही है। अगर नारी ही नहीं होती तो इस सृष्टि की निर्मिति नहीं होती, इस सृष्टि पर आज हमें ये जीव देखने को नहीं मिलते। देखिए सृष्टि की सृजनहार जल जननी उच्च महात्म है, सर्वश्रेष्ठ कहा है? कवि ने नारी को कैसा कहा है? सर्वश्रेष्ठ कहा है, महानतम कहा है, सर्वदायिनी, सर्वदायिनी यानी सब कुछ देने वाली, वो हमें सब कुछ देती है, सर्वदायिनी सब कुछ दान करती है, सर्वदायिनी पालनहारा ईश्वर समनारी है, ईश्वर समनारी है। कवि ने नारी को किसके समान कहा है? ईश्वर के समान कहा है। हमें भी हमारे माँ को, हमारी बहन को, हमारी दादी को किसके समान समझना चाहिए? ईश्वर के समान समझना चाहिए। देखिए आगे देखिए, नारी से अवतरित हुए हैं राम कृष्ण और भगत सिंह, ईसा गांधी बुद्ध महावीर, सत्य सनातन नारी है। सनातन, सनातन यानी शाश्वत, सदा बना रहने वाला।
देखो नारी से अवतरित हुए हैं, अवतरित हुए यानी प्रकट हुए हैं, प्रकट होना। नारी से कौन किस किसने जन्म लिया है, कौन कौन प्रकट हुए हैं, उनके बारे में यहां पर कवि ने जानकारी दी है। देखिए नारी से अवतरित हुए हैं राम कृष्ण और भगत सिंह। राम प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम ने किससे जन्म लिया है, एक नारी से भी जन्म लिया है। राम कृष्ण और भगत सिंह इस आकार के बुद्ध महावीर सत्य सनातन नारी है। इन जैसे महावीरों ने, महान पुरुषों ने जो हमेशा शाश्वत है, सत्य है, ऐसे नारी से जन्म लिया है। प्रभु श्री राम ने नारी से जन्म लिया है, कृष्ण ने नारी से जन्म लिया है, भगत सिंह ने नारी से ही जन्म लिया है, ईसा गांधी बुद्ध इन सभी महावीरों ने किससे जन्म लिया है, नारी से ही जन्म लिया है। इसलिए नारी का जो स्थान है वो कैसा है, शाश्वत है, सदा के लिए बना हुआ है। नारी से अवतरित हुए हैं रामकृष्ण और भगत सिंह, ईसा गांधी बुद्ध महावीर सत्य सनातन नारी है। आगे देखिए लक्ष्मी दुर्गा सीता और सावित्री, यहां पर नारी के विविध रूपों को प्रकट किया है कवि ने, यहां पर बताने का प्रयास किया है नारी के विविध रूप। नारी किसके समान है, लक्ष्मी के समान है। लक्ष्मी कौन है, एक नारी ही है। दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, सावित्री नारी ही है, ये सब नारी के रूप है। तो अगर ये रूप देवता के समान है तो हमारे घर में जो नारी है वो देवता क्यों नहीं है, हमें उसे भी देवता ही समझना चाहिए, देवी ही माननी चाहिए, ईश्वर के समान ही समझना चाहिए, उनके भी हमें पैर छूने चाहिए, वो जो भी कुछ कहे हमें मानना चाहिए। देखिए लक्ष्मी दुर्गा सीता और सावित्री हैं, आंचल में इसके दूध सुखद ये छाया है। नारी ईश्वर के समान है, नारी लक्ष्मी के समान है, नारी सीता के समान है, नारी दुर्गा के समान है, नारी सावित्री के समान है, और उनका आशीर्वाद सदा के लिए हम पर बना हुआ रहता है और हमें सुख सा महसूस होता है उनकी कृपा दृष्टि से। आया ना, दुष्ट दुराचारी को अंगार दहकता प्रलयकारी महाकाल सी नारी है। देखो एक और नारी को सुख प्रदान करने वाली देवी कहां है, लक्ष्मी दुर्गा सीता सावित्री, इनके जैसा हमें सुख देने वाली, हमेशा आशीर्वाद देने वाली नारी कहां है, तो दूसरी ओर नारी को कैसा कहा है। देखो दुष्ट और जो दुराचारी लोग हैं, दुराचारी यानी बुरे आचरण वाले, दुराचारी यानी बुरे आचरण वाले, दुष्ट दुराचारी को अंगार दहकता प्रलयकारी महाकाल सी नारी है। दुष्ट और जो दुराचारी लोग हैं, जो नारी को बुरी दृष्टि से देखते हैं, जो नारियों पर अत्याचार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नारी कैसी है, दहकते अंगार उनके समान है। दहकते अंगार होता है ना, दहकते अंगार यानी जलते हुए कोयले, उनके समान है। आपने देखा है क्या कभी जलते हुए कोयले, अगर आप गांव में हैं, अगर आपके घर में चूल्हा है तो आपने जरूर देखा होगा। इन दुराचारी लोगों के लिए, बुरे आचरण वाले लोगों के लिए नारी कैसी है, दहकते अंगारों के समान है, जलते हुए अंगारों के समान है। देखो दुष्ट दुराचारी को अंगार दहकता प्रलयकारी महाकाल सी नारी है। नारी को महाकाल, महाकाल सी कहा है, महाकाल यानी क्या, शिव। देखो दुष्ट दुराचारी को अंगार दहकता प्रलयकारी महाकाल सी नारी है। नारी को किसके समान कहा है, शिव के समान कहा है, शिव शंकर के समान कहा है। महाकाल किसे कहा है, शिव को कहा है, शंकर को कहा है, उसके समान नारी है। किस लिए, किस प्रकार के लोगों के लिए, बुरे आचरण।
दुष्ट लोगों के लिए जिनकी नजर बुरी है उनके लिए नारी कैसी है? दबते अंगार जैसी है, महाकाल सी है। आगे देखिए, विद्या कर्म धर्म की ज्ञाता। हमें विद्या, देखो छोटे बच्चों को पढ़ाई करते समय ज्यादा से ज्यादा ध्यान किसका रहता है? माँ का ही रहता है। वो बार बार हमें बार बार अपने पति को कोसती रहती है, बोलती रहती है, क्या आप उस पर ज्यादा समय ध्यान नहीं देते? उसकी पढ़ाई की ओर आप ध्यान नहीं देते? जरा देखो उसकी पढ़ाई ले लो। अगर आपके पिताजी नहीं लेते हैं तो कौन लेती है? खुद आपकी माँ लेती है आपकी पढ़ाई। विद्या, विद्या कर्म धर्म काम। काम करना हमें कौन सिखाती है? माँ ही सिखाती है। धर्म हमें कौन सिखाती है? माँ ही सिखाती है। विद्या कर्म धर्म की ज्ञाता, ज्ञाता यानी जानकार, ज्ञाता यानी जानकार। विद्या क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, इन सभी बातों को जानने वाली समझने वाली कौन है? एक स्त्री ही होती है। विद्या कर्म धर्म की ज्ञाता, बल बुद्धि और ज्ञान की दाता। बल बुद्धि हमें शक्ति प्रदान करने वाली, हमें ज्ञान देने वाली कौन होती है? नारी ही होती है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं अपनी पाठशाला में जो पूरा पूरा जो अपना अध्यापक वर्ग है उसमें से ज्यादा महिला वर्ग है, अध्यापिका है, आया ना? वो भी हमें क्या करती है? ज्ञान देती रहती है। आया ना? वो भी किसके समान है? ईश्वर के समान है। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या क्या देती है? बल बुद्धि प्रदान करती है, ज्ञान देती है। विद्या क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, वो अच्छी तरह से जानती है। देखिए, विद्या कर्म धर्म की ज्ञाता, बल बुद्धि और ज्ञान की दाता है। जगति की ये नित्य विधाता सर्व मंगलकारी नारी है। जगति इस पूरे विश्व की कौन है? ये विधाता है। कौन है? विधाता है, ईश्वर है, सर्व मंगलकारी नारी है। मतलब सब कुछ शुभ करने वाली, अच्छा करने वाली, सबकी भलाई करने वाली कौन होती है? नारी होती है। विद्या कर्म धर्म की ज्ञाता, बल बुद्धि और ज्ञान की दाता है। जगति की ये नित्य विधाता, ये हमेशा के लिए पूरे संसार का वो क्या चाहती है? सुख ही चाहती है, भला ही चाहती है। जगति की ये नित्य विधाता हमेशा के लिए वो कैसी है? विधाता के समान है, ईश्वर के समान है। जगति की ये नित्य विधाता सर्व मंगलकारी नारी है। नारी सब कुछ मंगल करती है, शुभ करती है, अच्छा करती है, ऐसा यहां पर प्रवीण कहा है। देखो समझो कि हमारे घर में कुछ शुभ कार्य है तो उस शुभ कार्य में नारी वर्ग का हिस्सा ज्यादा रहता है। हाँ यार, पुरुष लोग सिर्फ बाहर की जो भी कुछ देखभाल है वो पुरुष करते हैं, लेकिन जो धार्मिक कार्य रहता है, ईश्वर का जो कामकाज रहता है वो महिला वर्ग के ऊपर ज्यादा रहता है। यानी महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है उस समय। देखिए, जगति की यह नित्य विधाता सर्व मंगलकारी नारी, नारी सर्व मंगलकारी है, इसलिए नारियों को हमें उनका सम्मान जरूर देना है। हमें ईश्वर के समान ही उन्हें समझना है, हमें उनके पैर छूने हैं। आजकल हम देखते हैं कक्षा में छात्र और छात्राएं होती हैं और किसी भी एक बात अगर उनमें बिगड़ गई तो एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखते हैं। लड़के लड़कियों को कुछ तो बोलते रहते हैं और लड़कियां लड़कों को कुछ तो बोलती रहती हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको अपने कक्षा में भी जो लड़कियां हैं उनमें भी ईश्वर को ढूंढना है, उनमें भी ईश्वर है। ऐसी बात नहीं है कि आप में ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो आप में भी है, सभी जीवों के अंदर ईश्वर है। ये मानव का ये जो शरीर है, ये शरीर एक मंदिर है और उसमें रहने वाला जो आत्मा है वो ईश्वर है। आत्मा कौन है? ईश्वर है। हमें पता है जिसके अंदर जितना
ज्यादा आत्मविश्वास होता है उतना वो खुद का विकास करता रहता है। आत्मविश्वास ऐसे दूसरी दैवीय शक्ति इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। जिसके अंदर जितना आत्मविश्वास उसके अंदर उतनी दैवीय शक्ति होती है। हर एक के अंदर दैवीय शक्ति है। हम ईश्वर के सामने ईश्वर की जो तस्वीरें रहती है हमारे घर में उसके सामने हम दिया जलाते हैं अगरबत्ती जलाते हैं और हमें प्रसन्नता का फील आता है और हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब ईश्वर प्रसन्न हुआ। और हम बहुत सारे कार्य करने के लिए बैठते हैं, हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और वह पढ़ाई हम जल्दी 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 पूरी करते हैं, खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमें प्रसन्नता का फील आया होता है। सही बात यह है दोस्तों कि आपको जो प्रसन्नता का फील उस समय आता है, जो आपको प्रसन्नता महसूस होती है वो प्रसन्नता किसकी वजह से महसूस होती है? आपके अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है वो ईश्वर प्रसन्न होता रहता है, वो हंसने लगता है और आपके अंदर प्रसन्नता निर्माण होती है। जिस ईश्वर के सामने आप अगरबत्ती और दिया जलाते हैं वो तो हमेशा के लिए आपको हंसता हुआ ही नजर आता है। क्या आपने कभी देखा है कि वो ईश्वर कभी रोया है, कभी रोता है? बिल्कुल नहीं। रोने वाला और हंसने वाला ईश्वर तो आपके अंदर बैठा है। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि हर एक नारी को उनका सम्मान देना चाहिए, हर एक नारी के अंदर ईश्वर को देखना चाहिए। आगे देखिए, विद्या कर्म धर्म की ज्ञाता बल बुद्धि और ज्ञान की दाता है, जगत की ये नित्य विदाता सर्व मंगलकारी नारी है। नारी सब कुछ मंगल करके छोड़ती है, सब कुछ भला करके छोड़ती है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। देखिए, जब तब पूजन और मनन से, कुछ लोग जप करते हुए बैठे, आपने देखा है क्या जप करना? वो हाथ में माला लेते हैं और फेंकते हैं, उसे कहते हैं जप करना। कुछ लोग तप करते हैं, तपस्या, जैसे कि ऋषि मुनि साधु मुनि तप तप करते हैं। जब तब पूजन, हम पूजन करते हैं, ईश्वर का पूजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं ईश्वर का। जब तब पूजन और मनन से नारी का सम्मान श्रेष्ठ है। हमें लगता है कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जप करने बैठा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत ही बड़ा कार्य कर रहा हूँ। मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं। लेकिन यहां पर कवि हमें बता रहा है कि ये जो जप तप पूजन मनन चिंतन ये जो है ना, इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? नारी का सम्मान महत्वपूर्ण है। नारी के अंदर ईश्वर है जिसने हमें पाप पोषण बड़ा किया है, ये सृष्टि दिखाई है, उस नारी की पूजा करो। देखो, जब तप पूजन और मनन से नारी का सम्मान श्रेष्ठ है, नारी को ही श्रेष्ठ कहा गया है इन सबसे ज्यादा। ऋषि देवगण नाम उच्चारे यत्र तत्र सर्वत्र पूजनीय नारी है। ऋषि, बड़े बड़े ऋषि देवगण, देव सब किसका नाम लेते हैं? नारी का ही नाम लेते हैं, देवी का ही नाम लेते हैं। सभी के मुंह से किसका उच्चारण आता है? नारी का ही उच्चारण आता है। उन्होंने भी नारी को ही श्रेष्ठ कहा है। इसलिए कवि हमें भी बताना चाहता है कि हमें भी क्या करना चाहिए, नारियों को उनका सम्मान देना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में अच्छी भावना होनी चाहिए, उनमें भी हमें ईश्वर दिखाई देना चाहिए। हमें हमेशा हमारी माँ के पिताजी के पैर छूने हैं। कितने लोग छूते हैं पैर? थोड़े से। इस पद्य के माध्यम से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है कि हमें नारी का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नारी किसके समान है? ईश्वर के समान है। इस पूरी सृष्टि की रचना करने वाली कौन है? नारी ही है। इसलिए नारी को हमें उनका सम्मान देना ही चाहिए। तो यहां पर ये जो हमारा आज का पद्य है, पूजनीय नारी है, ये पद्य समाप्त हो गया है। धन्यवाद।